नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, जहां पर आप लोग जानते हैं कि इस समय साफ साफ बोलती हुई नजर आ रही है जज की कस्टडी उसको मिलेगी इस बच्चे की कि जो सबसे पहले शादी करेगा। और इस समय रिया का खुश होने का अपना एक अलग तरीका है, क्योंकि रिया इस समय इसलिए खुश हो रही है क्योंकि जो कस्टडी मिलने जा रही है वो कस्टडी मिलेगी किसी और को नहीं बल्कि रणवीर को, क्योंकि सबसे पहले रणवीर से शादी करने की प्लानिंग करेगी, क्योंकि उसे पता है कि रणवीर को अगर खुशी चाहिए तो वो जल्द से जल्द शादी करेगा, क्योंकि रिया पूरी तरीके से पता है। और ये भी पता है कि अगर प्राची को चाहिए खुशी तो प्राची जल्द से जल्द अक्षय से शादी करेगी, यानी हर सूरत में आखिरकार जीत किसी और की नहीं बल्कि रिया की ही होने वाली है, क्योंकि रिया को पता है कि चाहे शादी करे प्राची अक्षय से तो भी मेरा ही होगा रणवीर, और रणवीर अगर मेरे से शादी करे तो मेरा है ही। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रिया इस समय चारों तरफ से खुश होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस समय खुशी की कस्टडी के लिए अलग अलग तरीक़ा से दोनों लोग एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यही बात की जाए रणवीर की तो रणवीर साफ साफ बोलता हुआ नज़र आने वाला है आने वाले एपिसोड में रिया से कि रिया मुझे जल्द से जल्द तुमसे शादी करनी है, और मुझे जल्द से जल्द शादी करने के लिए इस समय तुम्हारा सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रिया कब से ज़्यादा उत्साहित हो रही है शादी करने के लिए, लेकिन दोस्तों वहीं खुशी की बात की जाए तो खुशी यही चाहती है कि जैसे हो सके मेरे मॉम डैड एक ही रहने चाहिए। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के बीच में एक बार फिर से नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है। बात की जाए इस समय की बड़ी अपडेट की तो सभी लोगों को पता लगने ही जा रहा है कि आखिरकार वो छोटी बच्ची खुशी नहीं चाहती कि रणबीर और प्राची एक दूसरे से अलग हों। वाकई में दोस्तों कहानी एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर आ टक चुकी है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएगा।